आप अगर मार्केट में अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट ईवी स्कूटर खरीदना चाहते हो तो एथर जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं एथर का सारे स्कूटर का रिव्यू करने वाला हूँ, उनका टेक्निकल डिटेल्स बताने वाला हूँ, साथ ही साथ अभी ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है, आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ईएमआई स्कीम क्या होगा, सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आ गया हूँ सिलीगुड़ी के एथर के शोरूम में, तो जो सेवक रोड में है, विशाल सिनेमा के जस्ट ऑपोजिट में। तो यहाँ पे सारे स्कूटर्स रखे हुए हैं, सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, शुरू करते हैं बेसिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से और फिर आगे ऑन रोड प्राइस और ईएमआई स्कीम भी आपको समझा देंगे। एथर के शोरूम में हमारे साथ आज मुन्ना दा है। हाय, तो पहली बार एथर के साथ एक नया एक्सपीरियंस, तो काफी सारे मतलब नए कस्टमर्स है जो अभी ईवी बाइक के ईवी स्कूटर के तरफ जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है एथर मतलब किस लिए दूसरों से काफी डिफरेंस हटके है? इसीलिए क्योंकि हमारा बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूज करते हैं। 2013 टू 2018 वी वर इन आर&डी फेज एंड फ्रॉम 2018 वी आर इन द रिटेल बिजनेस। ओके, तो हम लोग अभी इंडिया के टॉप लीडिंग ईवीज में से एक है। डेफिनेटली उस हिसाब से मतलब मैं शुरू में ही बोला था कि अगर आप एक बेस्ट क्वालिटी का ईवी बाइक ढूंढ रहे हो तो एथर जरूर ट्राई करना चाहिए। एग्जैक्टली तो मुन्ना दा, अभी जो शोरूम में जितने भी कलर्स है मतलब क्या क्या कलर्स अभी अवेलेबल है? हमारे पास 6 कलर ऑप्शन है टोटल, लूनर ग्रे, रेड, कॉस्मिक ब्लैक, स्पेस ग्रे, व्हाइट एंड योर ग्रीन, सॉल्ट ग्रीन। ओके, तो काफी यूनिक कलर्स है, कलर भी काफी कैची है उसी हिसाब से। अच्छा, कलर के हिसाब से प्राइस का डिफरेंस है या सारे प्राइसिंग सब में सेम है? बिल्कुल, तो प्राइसिंग के बारे में थोड़ी देर में आपको डिटेल्स जानकारी दी जाएगी, उससे पहले थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते। तो ये जो दो अलग वेरिएंट इसमें दिख रही है, तो कौन कौन सा वेरिएंट अभी हमारे पास? 450 प्लस बेस वेरिएंट है और 450X टॉप वेरिएंट। ओके, बेसिक डिफरेंस 450 प्लस जो बेस वेरिएंट है 85 किलोमीटर की रेंज है और 450X में 105 किलोमीटर, मतलब जो X वाला वेरिएंट है उसमें थोड़ा सा आपको रेंज ज्यादा 20 किलोमीटर का रेंज और उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी एडिशनली देखने को मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एक एडिशनल आपको मोड मिलेगा, वॉक मोड। बेस मॉडल में 3 राइडिंग मोड्स है, इकोनॉमी, राइड, स्पोर्ट, और टॉप मॉडल में इकोनॉमी, राइड, स्पोर्ट एंड वॉक। मतलब बेस मॉडल में 3 मोड्स मिलेंगे और टॉप मॉडल में आपको 4 मॉडल मिलेंगे, तो एक्स्ट्रा मोड उसमें देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए अभी एक बार स्कूटर का जो डायग्राम है वो एक बार स्पेशली देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आप एथर के शोरूम में आओगे तो सबसे कैची है शोरूम का जो डिज़ाइन बना हुआ है, जो स्कूटर का डायमीटर सजा हुआ है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो अभी जो बेसिक जो डायग्राम है इस स्कूटर का वहाँ पे खड़े हैं, तो देख ही रहे हैं इसका मेकेनिज्म पूरा इसमें दी गई है, मतलब पूरा नेकेड करके इसको दिखाया गया है। हम लोग का इंटेंशन यही है कि मैं हम लोग दिखाना चाहते हैं कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ क्वालिटी वी प्रोवाइड टू द कस्टमर। डेफिनेटली दिस इज द चैसी फुल ऑफ एल्युमिनियम, सामने का आपका हेडस्टॉक है वो स्टील का है, इवन द बैटरी केसिंग एंड मोटर केसिंग इज एल्युमिनियम। वी हैव द ट्यूबलेस टायर ऑफ 12 इंच ईच एंड ट्रिपल पिस्टन कैलिपर डिस्क एट फ्रंट, जो बाइब्री का कैलिपर है, जो सबसे बढ़िया कैलिपर मानी जाती है वो बाइब्री का कैलिपर इसमें देखने को मिलेगा। और जैसे बैटरी यहाँ पे मिडिल पोर्शन में है तो उसके हिसाब से आपको काफी अच्छा बैलेंस मिलने वाली है स्कूटर से। और हमारा वेट रेशियो 48:52, टोटल वेट 111 किलो का है और उसका वेट रेशियो हमारा 48:52 डिवाइडेड है। कार्बन फाइबर बेल्ट है हमारा और स्विंग आर्म भी, इनफैक्ट स्विंग आर्म भी एल्युमिनियम का है हमारा। ओके, तो लाइट वेट के हिसाब से काफी अच्छा, मतलब जितना लाइट वेट होगी ईवी स्कूटर के हिसाब से माइलेज भी अच्छा मिलेगा और राइडिंग एक्सपीरियंस भी उतना तगड़ा मिलने वाला है। तो एक बार इस स्कूटर का फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखा देते हैं, इसमें आपको सारे एलईडी सेटअप्स मिल जाती है, हेड लाइट से लेकर साइड इंडिकेटर तक सारे एलईडी सेटअप इस स्कूटर में आपको देखने को मिल जाता है। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इस स्कूटर में आपको टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिलता है और डुअल डिस्क के साथ इस स्कूटर में आपको कम्बो ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया एक सेफ्टी एडिशन है इस स्कूटर में। और अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें भी आपको डिस्क देखने को मिलेगा और ब्रेक कैलिपर जो है बाइब्री के ब्रेक कैलिपर इस स्कूटर में देखने को मिलता है, जो क्वालिटी में काफ़ी बेहतरीन होती है। अच्छे आपको मोनोशॉक्स देखने को मिलता है। तो चलिए इस स्कूटर का भी मीटर कंसोल एक बार देख लेते हैं। तो ये हमने मीटर को कर दिया ऑन। ये हमारा डैशबोर्ड है, 7 इंच का डैशबोर्ड है, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज है इसमें आपका। ये यूजर इंटरफेस है हमारा, आपको वेक्टर गूगल मैप मिल जाएगी जो वर्ल्ड की कोई भी टू व्हीलर स्कूटर पे नहीं है।
आप इसको एक्सेस करवा सकते हैं, आपको कहीं भी जानी है, फ़ोन निकालने का ज़रूरत नहीं है, बस आप लोकेशन सर्च करिए और वो आपको वहाँ तक लेके चला जाएगा। ये राइडिंग मोड से आपको शो करेगा कि 63% में 63 किलोमीटर इकोनॉमी मोड में, अब मोड इसे चेंज कर सकते हैं, मोड चेंज बटन है यहाँ पे। आपको गाड़ी कितना चला हुआ है आप यहाँ पे टोटल ऑडियोमीटर में आपको शो करेगा। टॉप मॉडल के लिए जैसे मैंने बोला ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे शो करेगा। इधर के ऐप से आप RC रजिस्ट्रेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट सब जब अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डैशबोर्ड में सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं हमारी। प्रोफाइल में आपका नाम शो करेगा जब आपका बिल हो चुका होगा। सेटिंग्स में आप थीम एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, डिवोर्स असिस्टेंस है गाड़ी पे, इंडिकेटर साउंड, किसी किसी को इंडिकेटर साउंड पसंद नहीं है तो फिर वो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर पार्क असिस्टेंट जो रिवर्स असिस्टेंस साउंड पसंद नहीं है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा फीचर्स ऑटो होल्ड फीचर्स है जो फोर व्हीलर पे आता है। यूजुअली अगर आप फ्लाईओवर पे है और ट्रैफिक जाम है तो एक स्टीप पे आपको ब्रेक दबा के खड़ी रहनी पड़ेगी। इसमें ऐसा है कि आपका दोनों टायर एक स्टैगनेंट पोजीशन पे आ जाएगा, आपको ब्रेक का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, जिसको हिल होल्ड फीचर्स भी बोलते हैं हम। ऑप्टिमाइज चार्जिंग ऑप्शन है जहाँ पे फुल चार्ज आपको 80% तक ही लेके जाएगी, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में 100% चार्ज करना बैटरी का हेल्थ के लिए सही नहीं होता, इसीलिए एक ऑप्टिमाइज चार्जिंग ऑप्शन है। ऑटो इंडिकेटर है, टर्निंग लेते समय जब आप स्ट्रेट पोजीशन पे जाएंगे तो अपने आप इंडिकेटर बंद हो जाएगी। तो मीटर कंसोल के बाद हम लोग इस स्कूटर का एक बार बूट स्पेस देख लेते हैं। तो ये देखिए बूट स्पेस जो काफ़ी बड़ी है, इसमें आप एक हेलमेट भी रख सकते हैं। एग्जैक्टली, तो काफ़ी बड़ी जगह है और यहाँ पे बूट लैंप भी दी गई है, यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया लैंप है, एकदम लाइनर एक LED सेटअप इसमें भी देखने को मिलेगा और काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस स्कूटर में आपको देखने को। तो मुनंदा एक और चीज़ हम लोग को जानना ज़रूरी है, जैसे जब जैसे EV स्कूटर की बात करते हैं तो हम लोग मतलब पावर की बात करते हैं कि कितना डिस्टेंस तक वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो अभी मिनिमम चार्जिंग मतलब एक बार अगर करते हैं कोई तो कितना मतलब रेंज तक ये ट्रेवल कर सकते हैं? टॉप मॉडल 450X में एक बार फुल चार्ज करेंगे तो इकोनॉमी मोड में आप 105 किलोमीटर तक चला सकते हैं। 105 किलोमीटर विथ सिंगल चार्ज आप जा सकते हो, वो भी इकोनॉमी मोड। डेफिनेटली इकोनॉमी मोड आपको जैसे आपको बोला गया था चार अलग मोड है, तो अगर इकोनॉमी मोड में आप राइड करते हो तो 105 किलोमीटर विथ सिंगल चार्ज आप उसको चला सकते हो। तो अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो मतलब कितना टाइम लगता है पूरा फुल चार्ज होने में? होम चार्जर में 0 to 80 किलोमीटर 4 hours 30 मिनट्स में और 0 to 100% 5 hours 40 मिनट्स, मतलब मोटा मोटी 5.5 घंटे में आपका बाइक फुल चार्ज हो जाएगी, फिर आप उसको लेके लंबा राइड तक भी लैंड कर सकते हैं। और हमारा फीचर्स ऑटो कट फीचर्स है, फुल चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक और डिस्चार्ज हो जाएगा, कट हो जाएगा। और मैक्सिमम पावर की बात करें तो टॉप स्पीड कितना आती है? टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आर की है। इसमें आपका टॉर्क अगर कंपेयर करें तो 26 Nm का टॉर्क जनरेट होता है जो काफी बढ़िया है। तो हम लोग पावर की बात किए, स्पीड की बात किए, तो अभी पावर का जो ग्रेड है कैसे पावर यहाँ पे कैसे आप चार्ज कर सकते हो वो एक बार आपको दिखा देता है। हम लोग होम चार्जर के लिए दो चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये डॉट चार्जर है, DOT चार्जर बोलते हैं। ये हम आपके पार्किंग स्पेस पे माउंट कर देंगे और ये आपका चार्जिंग ड्यूरेशन यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है 0 to 80% 4 hours 30 मिनट्स पे और 0 to 100% 5 hours 30 मिनट्स पे। इसका सब हमारा इलेक्ट्रिशियन जाके आपके घर पे या पार्किंग स्पेस पे माउंट कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड अनदर सेट्स ऑफ चार्जर, दिस इज पोर्टेबल चार्जर, एक चॉइस कर सकते हैं आप, इधर यू कैन टेक डॉट और यू कैन टेक पोर्टेबल। पोर्टेबल का ये है कि आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ईथर ने फास्ट चार्जर के लिए ईथर ग्रिड बनाया है। आपको सिलीगुड़ी में करीब 10-12 जगह पे आपको ईथर ग्रिड आपको मिल जाएगी। इसमें आपका 10 मिनट्स में 15 किलोमीटर चार्ज होता है। ऑन एन एवरेज अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट में आपका गाड़ी फुल चार्ज हो जाता है। ये कमर्शियल पर्पज के लिए है सिर्फ। तो ईथर के शोरूम के बाहर ही आपको एक बढ़िया सी चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सारे स्कूटर चार्ज हो रहे हैं एक के बाद एक, और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी लगा हुआ है जो इंडिकेट कर रही है ग्रीन लाइट। ये एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आप इधर के कोई स्कूटर लेते हो तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट जो है काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है। तो चलिए साथ साथ स्कूटर में एक बार बैठेंगे ज़रूर। तो सीटिंग पोस्टर काफ़ी कंफर्टेबल है और जो सामने का स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस दी गई है। सामने आप आराम से सामान रख के इसको चला सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है जो स्क्रीन सामने दिख रही है, बड़ा सा एक LCD स्क्रीन इस स्कूटर में दी गई है जिसमें सारे सब कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको पहले भी दिखाया। और बाकी चलाने के साथ साथ ही इसका जो रोड साइड एक्सपीरियंस है वो भी आपको शेयर करूंगा बहुत जल्दी। तो सीटिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल लगा और जो हैंडलिंग है काफ़ी इजी लगा मुझे स्कूटर में बैठ के।
और सामने दोनों लुकिंग ग्लास का जो स्टाइल है वो भी काफी बढ़िया है। तो चलिए अभी इस स्कूटर का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको बताते हैं, ईएमआई स्कीम क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी मेन जो सवाल आता है कि अभी ऑन रोड प्राइस स्कूटर का क्या है? बेस वेरिएंट हमारा 450 प्लस का ऑन रोड इंक्लूडिंग इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स पेमेंट इज 1,54,640 रुपीज। ओके। एंड फॉर 450X व्हिच इज टॉप वेरिएंट ऑन रोड इंक्लूडिंग इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन इज 1,77,650। तो अभी मान लीजिए कोई ये स्कूटर मतलब देखिए प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा अपर एंड में जाता है, डेफिनेटली जाना भी चाहिए क्योंकि इतना बेहतरीन आपको फैसिलिटीज मिल रहा है। तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितना कर सकते हैं? मिनिमम डाउन पेमेंट आप 30,000 रुपए कर सकते हैं, 30,000 डाउन पेमेंट। और हमारा टेनियर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक के लिए है। मतलब मिनिमम 30,000 आप दे सकते हो जो एकदम नॉमिनल है। 30,000 देके आप अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो उससे भी कम हो सकता है, उससे भी कम आप 25-24,000 में भी आपका निकल जाएगा। तो विद इन 25,000 देके भी आप इसको बुक करा सकते हो। सिविल स्कोर आपको एक बार चेक कराना जरूरी है। तो अगर मंथली ईएमआई की बात करें तो अप टू 4 ईयर्स तक ये आपको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उस हिसाब से मतलब मान लीजिए कोई 30,000 डाउन पेमेंट किया और 4 ईयर्स तक ईएमआई टेनियर में मतलब कन्वर्ट किया ईएमआई, तो बेस मॉडल आपका वो 3,499 करके आपको पर मंथ ईएमआई आ सकती है। ऑलमोस्ट 3,500 देके आप ये स्कूटर मंथली ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो, जो बहुत ही नॉमिनल है। आपका जो ईवी स्कूटर का जो ड्रीम है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी और बहुत ही कम ईएमआई देके आप इसको मतलब 4 ईयर्स तक धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है इसमें पेट्रोल का तो कोई झंझट है नहीं, तो बस जो ईएमआई है वो ही आपका मतलब एक्स्ट्रा खर्चा है, बाकी एकदम लो मेंटेनेंस है और कोई झंझट नहीं। आप एक बार खरीद लो फिर मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पे और एक सवाल, वारंटी पीरियड कितना साल की है? हमारा बेस वेरिएंट पे बैटरी पे 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है, मोटर पे 3 ईयर्स 30,000 किलोमीटर। ओके। और वही 450X टॉप वेरिएंट पे बैटरी पे 5 ईयर 60,000 किलोमीटर और मोटर पे 3 ईयर 30,000 किलोमीटर। डैशबोर्ड में हम लोग 3 ईयर 30,000 3 ईयर्स का वारंटी दे रहे हैं, आपका चार्जर पे 3 ईयर्स का वारंटी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस मतलब ईवी स्कूटर का बैटरी, तो बैटरी में हम लोग को कितना साल का वारंटी? 5 साल का वारंटी आपको मिलता है। 5 ईयर्स का वारंटी आपको टॉप वेरिएंट में जो जैसे बात कर रहे थे 450X, उसमें आपको 5 ईयर्स का बैटरी वारंटी के साथ, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। 5 साल के लिए आप बैटरी वारंटी मिल रहा है और मिनिमम एक ईएमआई स्कीम के साथ आप इसको अवेल कर रहे हो और मंथली जो सर्विसिंग चार्ज है वो भी बहुत नॉमिनल है, ना के बराबर, पेट्रोल तो भराने की जरूरत है। तो उस हिसाब से काफी बजटेड प्राइस आपको स्कूटर में देखने को मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज इथर के बारे में सारे डिटेल्स रिव्यू आपके साथ शेयर किया। और भी कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज रहे तो नीचे कमेंट्स में आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। आगे वाला वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे भी लोकेशन में दूसरे भी बढ़िया ईवी स्कूटर के साथ। तब तक के लिए सेफ राइड सेफ लाइफ।